नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज। आपके साथ मैं हूँ शिवानी शाह। जब कोरोना ने दुनिया में दी दस्तक, कोरोना वायरस जिससे आज दुनिया में 170 से भी ज़्यादा देश इसके संक्रमण से जूझ रहे हैं। ऐसा दावा किया गया कि कोरोना वायरस किसी जानवर की एक नस्ल से मनुष्य में आया और लोगों के लिए जानलेवा बीमारी बन गया। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ सबसे पहले चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, जहां यह दावा किया गया कि वहां के लोगों ने चमगादड़ से बने व्यंजनों को खाया था, जिसके बाद इस वायरस ने वुहान में अपना संक्रमण शुरू किया और धीरे धीरे इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि यह वायरस सबसे पहले 1 दिसंबर को वुहान के हुवेई प्रांत में एक मरीज के अंदर पाया गया, लेकिन चीन में पहले व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। दिसंबर के अगले हफ्ते ही चीन में कई और नए मामले सामने आने लगे, जिसने इस बात का इशारा किया कि यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। लेकिन चीन लगातार इस बात को मानने से इनकार करता रहा और नतीजा ये निकला कि चीन के वुहान में इस संक्रमण ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। आखिरकार दिसंबर के आखिर तक वुहान के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। आइए अब आपको बताते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बाद बाहरी देशों में कब कोरोना वायरस के पहले मरीज पाए जाने लगे। दरअसल चीन के बाद 13 जनवरी को पहली बार नवल कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मामला थाईलैंड में सामने आया था। यह चीन के बाहर का पहला मामला था। इस वायरस से संक्रमित थाईलैंड की रहने वाली 61 साल की महिला थी, जिसने चीन की यात्रा की थी और अपने शहर लौटते ही बीमार पड़ गई थी। थाईलैंड के बाद 16 जनवरी को जापान में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मामला सामने आया था। जापान के बाद 20 जनवरी को अमेरिका में पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई थी, जिसके घोषणा खुद चीनी रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र ने स्वयं की थी। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ही पहला मरीज दक्षिण कोरिया में पाया गया था। वहीं ताइवान में 21 जनवरी को पहला मामला कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। आपको बता दें कि हांगकांग और मकाऊ में 22 जनवरी को पहला मामला सामने आया, तो सिंगापुर और वियतनाम में 23 जनवरी को पहले कोरोना वायरस मरीज की पुष्टि की। फ्रांस में कोरोना वायरस का पहला मरीज 24 जनवरी को पाया गया था। फ्रांस के बाद 30 जनवरी को इटली और इटली के साथ साथ भारत में भी 30 जनवरी को ही कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मामला सामने आया था। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित पहली मरीज 20 साल की एक युवती थी, जो 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान से अपने शहर केरल लौटी थी, जिसके बाद वह युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। आपको बता दें, भारत के बाद 19 फरवरी को इराक, 24 फरवरी को ईरान और कुवैत, 26 फरवरी को पाकिस्तान, तो 29 फरवरी को कतर में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये हमारे पास कुछ देशों की रिपोर्ट थी, जहां यह पता चला कि कोरोना वायरस के मरीज कब पाए गए थे। अब इसे चीन की लापरवाही कहे या अनसुनी, चीन चाहता तो कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता था, लेकिन वह इस बात को बार बार नकारता गया कि यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। बहरहाल ये तो थी कुछ रिपोर्ट्स जिन्हें हमने आपको साझा किया। ये थी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आगे फिर लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार।